यमुना जी के वो ओपन हो, खुले, तो जिससे उसमें साफ पानी यमुना जी में आना शुरू हो। अब देखना कि आप दिल्ली की यमुना जी को देखोगे, आप लोगों ने देखे होंगे दिल्ली की यमुना जी का कैसा सीन, और यहाँ पे आप देखा यमुना जी को आप कैसे सुंदर मुंदना देखोगे, आप फील करोगे कि कितना डिफरेंस है वहाँ से यहाँ तक यमुना जी के जल में। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हम जो गंदगी निकाल रहे हैं, जो कीचड़ निकाल रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि यमुना जी में साफ पानी जो उनके स्वतः ही जो उनमें आना चाहिए वो आए। फिर हम क्या करते हैं कि उस कीचड़ को, जो गाद कीचड़ जो भी उसमें से निकलता है, तो उसको भी हमें, क्योंकि हम गंदगी को हटा रहे हैं ना कि हम गंदगी फैला रहे हैं, हमें उसको भी यूज करना है। अब उस गंदगी को हम कैसे यूज करते हैं, उस गंदगी को हमने निकाला और उसको एक तरफ रख दिया, एक दो दिन में वो सूख जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे ये मसानी नाला है, इसमें मथुरा का हर रोज़ लगभग 2 करोड़ लीटर के आसपास जो गंदा पानी है, हम लोगों के घरों से जो गंदगी निकलती है वो सब इसमें आती है। इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें आगे जाली लगाई हुई हमने, तो मोटा जो कचरा होता है उसको हम अलग कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि मोटा कचरा अलग हो जाए और पानी का फ्लो अलग हो जाए। ये पहले डायरेक्टली यमुना जी में गिर रहा था, उसके बाद में हमने जब यमुना मिशन ने काम किया तो यमुना मिशन ने इसको डाइवर्ट किया वृंदावन की तरफ अक्रूर घाट से। तो आप देखेंगे कि इधर से यमुना जी आ रही है और इधर से ये नाले का पानी हमने रोटेट कर दिया है। ये पहले डायरेक्टली जा रहा था गंदगी के साथ में, अब हमने जो रोटेट किया है उसको आप समझिए कि उस रोटेट करने में हमारी जो प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से है कि सैंड फिल्ट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट आप सभी जानते होंगे कि बालू में एक अपना गुण होता है जिससे वो पानी को शोधित करता है, पानी को साफ करता है। तो ये कोई पक्का हमने नहर का निर्माण नहीं किया है, कच्ची नहर है, बालू है, तो उससे फिल्ट्रेशन से पानी धीरे धीरे आगे जा रहा है। फिर सेकेंड थिंग क्या होती है कि जब पानी आगे बढ़ रहा है, ऊपर से सनलाइट भी है और वो वेपोरेब हो रहा है ना, तो वो उड़ भी रहा है पानी, उसमें से कुछ पानी ख़त्म भी हो रहा है। फिर उसके बाद में जो वो पानी फ्लो आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ किसान हैं जो अपनी खेती कर रहे हैं, जिन्हें अपनी खेती के लिए साफ पानी की ज़रूरत थी, है ना, तो उन्हें आज वो पानी मिल रहा है अपनी खेती के लिए, तो उनको साफ पानी की हम बचत कर पा रहे हैं। और गंदे पानी को हम यूज़ कर रहे हैं खेती में, तो उसमें दोनों चीज़ कि उसमें पानी भी है और कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो खेती के लिए, किसान के लिए बहुत ज़्यादा उसे